चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और ये क्रांति क्षेत्र है, यंत्र तैयार पार का होगा, लखलाऊ लगू जाएगी इस बात की। हम आएंगे, गेट का वेल्डिंग लगवा कर जाएंगे। चाहे यहाँ आंसू गैस के गोले छूटो, चाहे गोली चलो, जब तक किसानों का भुगतान नहीं होने का किसान मानने वाला नहीं है। और घर में क्या समस्या पैदा हो रही है अगर पैसा भुगतान? इस पैसे थे भाई, जो पैसा तो है कुछ ले आओ, इलाज भी करा लो भाई, डांगरू के खड़पानी भी ले आओ, डांगरू का इलाज भी करा लो, अपना भी करा लो। और पैसा नहीं है, नहीं फीस हरज मरज के लिए पैसा नहीं है घर में, यह समस्या तगड़ी हो रही। किसान का ज़्यादा दिक्कत किसी पे है नहीं फिलहाल, जो है मरण को तो जहर जहर खान को तो जगह नहीं है और बहू जीवन को भी नहीं है, इतना दुर्लभ हो गया। ऐसी सरकार देखी नहीं आज लो, और न सरकार ने ये वादा किया था, कहने लगे 15 दिन में पेमेंट, या 15 दिन यहाँ हो लिए 25 महीने, आज लो पेमेंट नहीं हुआ। छोटा सा वो था ही तो नहीं, बाकी का जो चोर साहब का जैसा आह्वान होगा तीब का आर पार का होगा मामला यहाँ मुजफ्फरनगर में। और ये क्रांति क्षेत्र है, यंत्र तो आर पार का होगा, लखलाऊ लगू जागी इस बात की। आज बिन की वही बात रही, अब हमारे पास 20 करोड़ रुपये आग दे दे 20 करोड़ रुपये में, हमें अपना पूरा भुगतान चाहिए। गन्ना गिर रखा पैसे लेने के लिए यहाँ आए हैं। कारण क्या बता रहे हैं मिल? कारण कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं घाटे में पैसा नहीं है। कहाँ गया पैसा? कहाँ गया बेईमान मिल मालिक, बेच के खा गया पैसा? जब हमने गन्ना गिर रखा तो पैसा तो हमें चाहिए, मैंने कर दे तक पैसा नहीं है, मैं मिल चलाने के काबिल नहीं हूँ, इस फैक्ट्री को बेच दें, हमें तो पैसा चाहिए। धरना तो दस्तूर जारी रहेगा, चौधरी साहब के आह्वान पे जब तक यहाँ फाइनल नहीं होने का तो धरना बरकरार रहेगा। यहाँ किसान बहुत मजबूत है, चाहे यहाँ आंसू गैस के गोले छूटो, चाहे गोली चलो, जब तक किसानों का भुगतान नहीं होने का किसान मानने वाला नहीं है, यह फैक्ट्री का ताला लगेगा। हम आएंगे, गेट का वेल्डिंग लगवा कर जाएंगे, यहाँ पे घोषणा करके जाएंगे, गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी, जो इस फैक्ट्री को समझौता तोड़ के गन्ना देगा ये समझ लेना कि उसका भुगतान इस फैक्ट्री ने किया है। जो भाई उस आदमी ने इस फैक्ट्री का उसने भुगतान लिया है, जो समझौते को तोड़ के गन्ना देगा।
यहाँ की पूरी सरकार की पॉलिसी है कि यहाँ पे खाप पंचायत मजबूत है, इन खाप पंचायतों को तोड़ा जाए आपस में। ये बीजेपी के एजेंडे में है, सरकार के एजेंडे में है। हमें नहीं मतलब यहाँ पार्टी किसकी होगी, किसको वोट जाएगी। हम सिर्फ किसान की बात करेंगे। एक आंदोलन, एक संघर्ष यहाँ पे होगा इस मुजफ्फरनगर में।